नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कार का ट्यूबलेस टायर का पंचर कैसे बनाया जाता है। ये जैक लगाकर टायर को ऊपर उठाया जा रहा है, गाड़ी को ऊपर उठाया जा रहा है ताकि टायर में स्क्रू हो जाए, और इसको उठाने से पहले टायर के बोल्ट नट ढीले कर लें और बाद में उठाने के बाद नट को खोल लें इस तरह से। जो ट्यूबलेस टायर है ये इको कार का टायर है, मेरी कार का टायर है जो अभी पंचर हो गया है। नहीं जाना था जो देखा टायर में हवाई बिल्कुल कम हो रही है, तो देखा तो खील लगी हुई है। इस तरह से मैकेनिक साहब ने टायर खोल लिया है, ये टायर को उड़का कर लेके जा रहे हैं। खील लग रही है, कील लग रही है भैया, कील ये इस तरह से कील लगी हुई है इसके अंदर। नट लगाया और हवा निकल रही है। मैकेनिक साहब ने पानी डालकर चेक करा, पानी के गुब्बारे फूल रहे हैं और ये कील निकाल रहे हैं। ये देखो इस कार छोटी सी कील थी और इस कार से ये पंचर बनाने का जो औजार है इसको तो ये बोलते हैं पेचकस है, तो ये इसको उसमें घुसा रहे हैं और बढ़िया छेद को सही कर रहे हैं, क्योंकि इसमें वो एक रबर की जो पंचर वाली ये देख रहे हैं आप, इसको अंदर डालेंगे इस तरह से। ये इसको दबा कर अंदर डाला जा रहा है इस तरह से। ये अंदर जा चुकी है और ये बिल्कुल पिघला हुआ रबर जैसा रहता है जो टायर में सेट हो जाता है, और इस तरह से ये पंचर के छेद में ये लगा दी गई है और ये ऊपर निकल रही है। तो इसमें हवा डालकर अब वापस एक बार चेक कर रहे हैं कि कहीं और से पंचर तो नहीं है, हवा लीकेज तो नहीं हो रही है। पूरा टायर को चेक करेंगे एक बार, क्योंकि ताकि दोबारा फिट करने के बाद दोबारा खोलना न पड़े, इसलिए एक बार चेक करके ही लगाया जाएगा टायर। ट्यूबलेस टायर में ये फैसिलिटी रहती है कि साला पंचर होने के बाद भी, कोई लगने के बाद भी गाड़ी में हवा रहती है। इस तरह से चेक कर लिया है और बाकी कहीं पंचर नहीं है इसके अंदर, और ये जो ऊपर निकला हुआ रबड़ है कैंची से काट दिया गया है कि ताकि ये बाहर ना रहे। और इस तरह से अपना टायर वापस गाड़ी में फिट कर रहे हैं, नट टाइट कर रहे हैं, नट लगाए जा रहे हैं इसके अंदर उसमें, और पंचर कंप्लीट बन चुका है। बस गाड़ी में टायर फिट करना ही बाकी है जो हो रहा है काम, और मैकेनिक साहब फटाफट कर देंगे। ये ट्यूबलेस टायर में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है पंचर बनाने में, और इस तरह से ये नट लगाकर टाइट कर दिए गए हैं। इस तरह से बढ़िया टाइट कर लिए हैं, और ये व्हील कैप लगा रहे हैं हम। इस तरह से अपना टायर बनकर कंप्लीट है, पंचर बनकर कंप्लीट है, और ये जैक को भी हटा देंगे, ये जैक भी हटा दिया है। ठीक है दोस्तों, लाते रहेंगे ऐसे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बाय बाय।